हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है होम साइंस की, उसकी बुक्स के बारे में। बिकॉज़ जो मैंने बुक रिव्यू वीडियो बनाए हैं उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि मैम वीडियो क्लियर नहीं आया है, या फिर उनको समझ नहीं आया, या फिर उनको क्वेरी थी कि मैम ये बुक कहाँ से मिलेगी। तो उन सभी क्वेरीज़ का आंसर्स इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊंगी जो पार्थ पब्लिशर्स की है, एंड स्पेशली होम साइंस जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए बनाई गई है। इसमें आपके 19 यूनिट्स कवर किए गए हैं। ये आप इसका इंडेक्स देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में जितने भी पॉइंट्स दिए गए वो इसमें कवर किए गए। ऐसे ही यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, सभी यूनिट्स के इसमें पॉइंट्स कम्प्लीट एंड बहुत शॉर्ट में दिए गए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया गया है, कोई भी एक्स्ट्रा पेज आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये बुक तो लेनी है लैब असिस्टेंट होम साइंस के लिए। ये आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी या फिर बुक स्टोर्स पे भी ये ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो आप इस बुक को तो आपको 100% लेना है। ये आप देख सकते हैं इसकी 19 यूनिट जो कि लास्ट है, शिक्षण अधिगम एवं प्रसार शिक्षा। एंड इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जो RBSE बोर्ड की 12th क्लास की होम साइंस की ओल्ड बुक है। ये आप देख सकते हैं ओल्ड बुक, ये मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबल है। बिकॉज अभी बोर्ड ने NCERT की बुक्स लागू कर दी गई हैं, इस वजह से ये बुक बहुत मार्केट में नहीं मिल पा रही है। तो आप इसका इंडेक्स एक बार देखिए, इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी टॉपिक हमारे लैब असिस्टेंट में हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं। एंड इसकी लैंग्वेज, इस बुक की लैंग्वेज इतनी इजी है कि आपको मतलब सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। एंड इसमें जो भी टॉपिक दिए हैं वो पूरा एक्सप्लेन करके दिए हैं, और जो न्यू बुक है उसमें थोड़ा शॉर्ट में मैटर दिया है। ये हो गए 12th वाली बुक की बात। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो RBSE बोर्ड की 11th क्लास की ओल्ड बुक है उसके बारे में। ये है हमारी RBSE बोर्ड की 11th क्लास की ओल्ड बुक। इसका भी मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ। ये इसका इंडेक्स आ जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी टिक किए हुए हैं वो सभी लैब असिस्टेंट से रिलेटेड टॉपिक है। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें मैंने टिक नहीं किया है ताकि आपको इजी से देखने को मिल सके। ये आप देख सकते हैं जो भी मैंने टिक किया है वो सभी लैब असिस्टेंट सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है। एंड ये वाली बुक भी इजी लैंग्वेज में एंड पूरा एक्सप्लेन में इसको दिया गया है। तो अगर आपको ये दोनों बुक मिल जाती हैं तो मतलब आपको न्यू बुक को लेने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे आपको लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें जो अपडेट मैटर है वो दिया गया है, बाकी सब इन दोनों बुक से ही उसमें मैटर लिया गया है। अगर ये वाली बुक है ना आपके पास तो ये ईजी लैंग्वेज में है, आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। थोड़ा जो इन बुक का मैटर है वही न्यू बुक में कॉपी पेस्ट किया गया है, बस उसमें थोड़ा शॉर्ट में करके दिया और इन बुक्स में एक्सप्लेन करके दिया गया है पूरा। एंड जो लास्ट हमारी बुक आ जाती है वो आ जाती है क्वेश्चंस पेपर, जो कि हमारे जितने भी होम साइंस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, TET, PGT एंड जो UGC नेट होता है उसकी, तो उनके सभी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ये आप इसका इंडेक्स देख सकते हैं। और जितने भी हमारे लैब असिस्टेंट में टॉपिक है वो मैंने इसमें टिक किए हुए हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप इसमें एक बार देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। एंड हो सकता है आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो ये वाली बुक भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये वाली बुक भी आपको फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी एंड बुक स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको कंप्लीट बुक्स के बारे में दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू।